गलती पर फिर भड़के अकरम। इस बार अकरम ने दिया सटीक जवाब, जाने क्या कहा वसीम अकरम ने। हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच खेला गया, जहां पाकिस्तान को श्रीलंका ने 23 रनों से शिकस्त देते हुए एशिया कप 2022 का खिताब उठाया। आपको बताते चले कि इस मुकाबले के बाद एक शो के दौरान पाकिस्तानी पूर्व कप्तान शो की एंकर मयंती लैंगर के सवाल पर फिर से भड़कते दिखाई दिए। यहाँ पर हमने फिर इसलिए लगाया है क्योंकि इससे पहले भी मयंती लैंगर के एक सवाल पर पाकिस्तानी पूर्व कप्तान वसीम अकरम भड़कते दिखाई दिए थे। चलिए पहले बता दें कि वो क्या चर्चा रही जिस पर वसीम अकरम थोड़े भड़कते दिखाई दिए और इस बार उन्होंने मयंती लैंगर को एक सटीक जवाब भी दिया। शो के दौरान मयंती लैंगर ने पूछा, वसीम आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं समझ सकती हूँ। जिस टीम को सभी ने एशिया कप से बाहर कर दिया था, उसे राइट ऑफ कर दिया गया था, उसका कप लेने का सपना भी तोड़ दिया। इस बात पर वसीम अकरम ने कहा, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, श्रीलंका चैंपियन बनने का हकदार है, क्योंकि वो आज जिस तरह से खेले, जिस तरह से पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने प्रदर्शन किया, श्रीलंका जीतने की पूरी तरह से हकदार थी। मुझे शिकायत है तो सिर्फ पाकिस्तान के इंटेंट से, जो वो पूरे मुकाबले में नहीं दिखा पाए। जी हाँ, जिस तरह से वसीम अकरम ने ये बात कही, उस तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद वसीम अकरम थोड़े गुस्से में हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वसीम अकरम से मयंती लैंगर ने शो के दौरान एक सवाल किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि टीम इंडिया लगातार इस तरह से क्यों अपनी विकेट गंवा रही है, जिस पर वसीम अकरम ने कहा था कि ये सवाल आप संजय मांजरेकर से पूछिए। वसीम अकरम के ना करने के बावजूद मयंती लैंगर ने फिर यही सवाल वसीम अकरम से पूछा, जिस पर वसीम अकरम ने कहा कि यही जवाब संजय मांजरेकर दे तो अच्छा लगता है। कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का प्रदर्शन देखने के बाद पाकिस्तानी सभी पूर्व दिग्गज खिलाड़ी काफ़ी निराश हुए होंगे, क्योंकि पूरी टीम ने जहां एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया, तो वहीं उनका फाइनल में जैसा खेल दिखा, उसे देखने के बाद सभी को काफ़ी बुरा लगा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।